सब्सक्राइब कीजिए स्टडी टेक्निक्स को और दबाइए बेल आइकन जिससे आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी टेक्निक्स। आज हम करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का पार्ट टू है। पार्ट वन हम कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट वन प्लीज जरूर देख लीजिए। ये हमने सीरीज स्टार्ट की है कॉमन एरर्स की, क्योंकि मेरा मानना है कि हम एरर डिटेक्शन करेक्शन जो इंग्लिश में है हम उसको क्रैम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे रूल हैं हम उसको रट नहीं सकते। तो हमें कम से कम एक सेंस होनी चाहिए किसी भी वर्ड की, किसी भी सेंटेंस की, तभी हम उसको पहचान सकेंगे कि ये इसमें एरर है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, इसमें एक और आप बताता हूँ आपको। कभी भी आपको जैसे इसमें एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन देखना है तो आपको वर्ड टू वर्ड चलना है। अब वर्ड टू वर्ड स्कैन करते चलेंगे ना तभी आपको पता लगेगा। यदि आप एक फ्लो में पूरा सेंटेंस पढ़ जाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर एरर है। आप बार बार पढ़ेंगे और आपका समय उसमें खराब होएगा। तो देखिए, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, ठीक है, मैं यहाँ तक कुछ नहीं पता लगा तो देख आगे देखते हैं। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। देखिए हमारा एरर इसमें किसमें आपको पता लगा, इसमें एरर है हमारा फर्स्ट में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसमें देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड दे रखा है एक्सेप्टेड टू, ये यहाँ पर रॉन्ग है। इसमें बोल रखा है कि अनलेस, जब तक दोनों पार्टी आपस में समझौता नहीं कर लेगी तब तक हमारा आर्बिट्रेटर का मतलब होता है बिचौलिया, कि जो हमारे दो को समझौता कराता है, कि आर्बिट्रेटर वुड बी नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट, तो कि ये डिस्प्यूट सेटल करने में आर्बिट्रेटर का कोई यूज नहीं होगा। तो एक्सेप्टेड टू का मतलब होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, आपस में समझौता कर लिया है, पर यहाँ पर बोल रहा है कि अब तक समझौता नहीं कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेबल बाय। एक्सेप्टेबल बाय का मतलब क्या होता है कि अभी तक अप्रूव नहीं किया है, अप्रूव ऑफ समथिंग, कि जब तक अप्रूव नहीं करेंगे वो, मीन्स टू एग्री, मतलब जब तक वो एग्री नहीं होएंगे। और उसका मतलब इसका मतलब होता है कि अप्रूव कर दिया है, अप्रूव्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, या फिर एग्रीड हो गए हैं उस पर। तो आपको पता लगा यहाँ पर हमें ऐसी सेंस देखनी पड़ेगी। यदि हमें कोई रूल पता होता तो हम देखते रह जाएंगे कि रूल भी यूज होते हैं पर बहुत क्रैम नहीं कर सकते हमको, मतलब ये कि हम सेंटेंस देखते रहेंगे तो ये सेंस पड़ेगी। हम देखिए आगे आगे बताऊंगा आपको कैसे हम देख सकते हैं। तो आपको इसका पता लगा कि एक्सेप्टेड बाय क्या कर, इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। तो देखिए दूसरा, ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क। आपको कहीं पर भी डाउट लगे आपको वहाँ पर माइंड में देख लेना है कि मेरा यहाँ पर कोई गलत है और आगे चलते जाना है, तो वहाँ से देखते जाएंगे पूरा वर्ड पढ़ने के बाद धीरे धीरे, फिर हम देखेंगे कि सेंस हमारा कहाँ पर रॉन्ग हो रहा है वहाँ पर। तो ये देखा फिर हमने यहाँ पर, ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू द सुधीर यस्टरडे, यहाँ तक हमारा पूरा पास्ट में चल रहा है। आगे देखते हैं, ही ट्राइज टू अवॉइड इट, नो एरर। तो आपको पता लगा इसमें कहाँ एरर है, पता नहीं लगा तो इसमें एरर है थर्ड में। थर्ड में देखिए क्यों है। अब आपको एक रूल बताता हूँ मैं, कभी भी कोई सेंटेंस पास्ट में चल रहा हो, देखिए यहाँ पर भी यस्टरडे पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट है, और वो बाद में प्रेजेंट में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इंग्लिश के हिसाब से रॉन्ग है। यदि हमारा पास्ट में कोई सेंटेंस चल रहा है तो हमारा पास्ट में चलेगा आगे भी, पर यहाँ पर क्या हमारा प्रेजेंट में दे रखा है, तो ट्राइज की जगह क्या आएगा हमारा ट्राइड, तो यहाँ पर ये हमारा रॉन्ग था। ये आपको टेंस पे बेसिस है, टेंस के मैं आपको पार्ट्स करा चुका हूँ, उसके पांच पार्ट हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको काफ़ी डीपली मैंने बताया है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, पहले मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको चैनल की उसमें। तो देखिए ये आपको समझ आ गया कि कोई भी, ये नोट कर लिया आप कि कोई भी सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा हो तो वो अगला सेंटेंस भी हमारा, मतलब आगे भी पूरा का पूरा वो पास्ट में ही होएगा, प्रेजेंट में वो नहीं जा सकता। इस पे SSC ये जितने भी सेंटेंसेस है SSC में आए हुए हैं, तो इन जैसे रूल, जनरल रूल्स पे SSC क्वेश्चन पूछता है, इसलिए चीज़ें याद रखना। अगला देखिए, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज नॉट फोरेंसिक, यहाँ डाउट लग रहा है, मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरेंस फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स।
अब देखिए यहाँ पर, इसमें हमारा सब्जेक्ट, हमारा ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक, मतलब पूरा प्राइम सब्जेक्ट हमारा ये यहाँ पर ये है हमारा। पर इसने यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, वॉज। इसमें मेरा थर्ड में एरर है, मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड में एरर कैसे है। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, पर उन्होंने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रखी है, सिंगुलर वाज। तो वहां पर वाज की जगह हमारा वर आएगा पहले। तो ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंसेप्ट है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल भी आएगी, और यदि मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। तो मेरा यहाँ पर प्राइम जो सब्जेक्ट है मेरा, वही मेरा प्लूरल है, तो यहाँ पर मेरी वॉज की जगह वर आएगा। देखिए आप, यदि आपको ऐसे ऐसे सेंस समझ आने लगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको इसमें क्लियर होता जाएगा, वरना आप रूल पढ़ते रहेंगे उतना ही कंफ्यूज होएंगे मेरे हिसाब से। तो देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए फोर्थ हमारा, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए बेस्ट पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। देखिए सेंटेंस में हमारा कहाँ पर एरर है, मैंने आपको एक तरीके पहले ही बताया था। जैसे देखिए हमारा, हमने देखा पहले यहाँ से सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा ठीक है यहाँ पर, कोई पास्ट यूज कर रखा है ठीक है, टू बी ए पर्सन यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज यहाँ पर भी हमारा पास्ट ठीक है, पर ये यहाँ पर हमारा डू यूज, ये हमारा एरर है थर्ड में। थर्ड में एरर क्यों है कि जो इसने यूज कर रखा है ये डू नॉट डू, ये हमारा सेंस रॉन्ग कर रहा है यहाँ पर। काफी सारे इंग्लिश सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेंस एक वर्ड की प्रॉपर प्रॉपर वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग कर रहा है। एक तरीके से पास्ट है, एक तरीके से वो अभी हमारा स्ट्रक्चर रॉन्ग कर रहा है कि पास्ट चल रहा है हमारा, आगे इसने प्रेजेंट में दे दिया। दूसरी बात, यहाँ पर सेंटेंस इसने घुमा दिया है, ये सेंस होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सीधा आई नेवर कंसिडर हिम टू बी अ पर्सन हु वुड इवन डू नॉट हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस एंड वुड नॉट इवन बी अपोलोजाइज। तो एक तरीके से यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, समझ गए आप, एक तरीके से सेंस देखना पड़ेगा। एक तो ये वाला सेंस बताया मैंने आपको पास्ट वाला, एक तो इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है ये। दूसरी बात, सेंटेंस का सेंस जो हो रहा है इसने गलत दे रखा है, वो हमें काफी सारे प्रैक्टिस से ही आएगा, इसमें कोई रूल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये चीज सेंस हमारी गलत कर रही है, यहाँ पर हमारा आना चाहिए, आपको बताता हूँ मैं, हु वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। ये चीज हमारी यहाँ पर पूरी सेंस कंप्लीट कर रही है, तो हमें यहाँ पर ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर हु वुड नॉट इवन अपोलोजाइज आना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है यहाँ पर। अगला देखिए, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, ठीक है हमारे पास, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। देखिए यहाँ पर एरर किसमें है, अब देख रहे हैं तो इसमें एरर हमारा थर्ड में, ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे हमारा यहाँ पर आना चाहिए ऑफ, ये मेरा ईडीएम से रिलेटेड है, हम कभी देखते हैं ना आई एम गोइंग फॉर सर्च, हम आई एम गोइंग फॉर सर्च ऑफ, सर्च ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से लुकिंग ऑफ, मैं किसी की खोज में जाना हो, लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर ये अधूरा था, यहाँ पर सर्च सम जॉब, इन सर्च ऑफ सम जॉब, मतलब किसी जॉब के सर्च के लिए जा रहा था। देखिए ये ऐसे सेंस हमें पहचानते हैं, यदि हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश की सेंस के वर्ड की सेंस है तभी हम ये चीज देख पाएंगे, वरना तो हम इन चीजों को मिस कर जाएंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी वर्ड में दिख ही नहीं रहा था बल्कि इसमें यहाँ पर एड होना था, तो इसलिए हमारा एरर है थर्ड में। इन सर्च सर्च ऑफ का मतलब होता है लुकिंग फॉर, तो ये ऐसे कभी आपको दिख जाए तो वहां पर आपको फट देखते ही टिक लगा देना कि यहाँ पर एरर है, किसी भी खोज के लिए जा रहा हो या किसी चीज के लिए वो देखने के लिए जा रहा हो तो वहां पर मेरा ऑफ आएगा सच के साथ। ठीक है, आज के लिए बस मैंने ये पांच सेंटेंसेज लिए हैं, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए,
मेरे को कमेंट से ही पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही। यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि यदि ये मेरे को सीरीज आगे कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या मैं ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ नहीं पढ़ा पा रहा, ये मैं आपको कमेंट से ही पता लग सकता है। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के थ्रू ही मेरे को अपना रिस्पॉन्स पता लगेगा और आपका रिस्पॉन्स पता लगेगा। तो थैंक यू। यदि आपने अभी तक हमसे जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मैंने अभी एक व्हाट्सएप का नंबर स्टार्ट किया है जिस पे मैं आपको वीडियो का लिंक एज ए नोटिफिकेशन भेज दिया करूंगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और यदि आपको नहीं पता है तो मैं अभी लिख भी देता हूँ इस पे। यहाँ पर नंबर है मेरा 9992104092 5, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप अपनी को मेरे को ऐड मी करके मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट कर दिया करूंगा वीडियो के, जहाँ से आप फटाफट आप देख सकें वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो बस थैंक यू आज के लिए।